आज यानी 28 दिसंबर को पद्म विभूषण रतन टाटा का जन्मदिन है। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को अपनी अगुवाई में बुलंदी पर पहुंचाया और आज भी वे टाटा ग्रुप को मजबूती देने में काफी एक्टिव रहते हैं। रतन टाटा आज 83 साल के हो गए हैं। भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों को देखते हुए 2008 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात के सूरत में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा है। उनके पिता ने 2 शादियां की थी। उनकी सौतेली माँ का नाम सिमोन टाटा है। नोएल टाटा उनके सौतेले भाई हैं। कार्नेल और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद उन्होंने टाटा समूह में हाथ बटाना शुरू किया। वे टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के मानद चेयरमैन हैं। रतन टाटा 1962 में टाटा समूह में शामिल हुए थे। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया और इसमें बदलाव करने की जिम्मेदारी मिली। रतन टाटा साल 2091 में JRD टाटा के बाद टाटा समूह के 5वें चेयरमैन बने थे। उन्होंने अपनी मेहनत से टाटा समूह की छवि बदल दी और बुलंदियों पर पहुंचाया। एक के बाद एक सफलता हासिल करते हुए 1998 में टाटा मोटर्स की टाटा इंडिका बाजार में उतरी थी। वर्ष 2007 में रतन टाटा की अगुवाई में ही टाटा सन्स ने जापान के कोरस समूह का अधिग्रहण किया। मार्च 2008 में रतन टाटा की अगुवाई में ही फोर्ड मोटर कंपनी से जैगुआर और लैंड रोवर को टाटा मोटर्स ने खरीदा था। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस जगत से जुड़े कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा से ताज़ा खबरें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप तक पहुंच सकें।